दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। ये माँ का दरबार लगा हुआ है, माता रानी आई है हम सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए, साथ में बजरंगबली बैठे हुए हैं और कितना सुंदर भाव लिखा है माँ। मात भवानी है शेरों वाली, विनती हमारी भुला ना देना माँ, कृपा हमेशा बनाए रखना माँ, कृपा हमेशा बनाए रखना, मैं बेटी तुम्हारी भुला ना देना। मात भवानी शेरों वाली, विनती हमारी भुला ना देना। कोई ये ना सोचे कि हम पीछे बैठे तो हमारे ऊपर नजर नहीं जाएगी। हाँ, मुझे नहीं दिखाई देंगे पर उनको सब दिखाई देता है, तो मीठी मीठी तालियां बजा करके आनंद लीजिएगा भजनों का। मात भवानी हे शेरों वाली, मात भवानी हे शेरों वाली, विनती हमारी भुला न देना। मात भवानी हे शेरों वाली, विनती हमारी भुला न देना। सास में तेरी मां
को क्या मांगना चाहिए भगवान से। वैसे तो हम मनुष्य हैं पर मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज हमारे पास एक रुपया है, कल हमें दो चाहिए होगा, जब हमारे पास दो भी आ जाएंगे फिर हमें दस चाहिए होगा, फिर ये हजारों में चाहिए, फिर लाखों में चाहिए, लाखों में बन गए तो हम करोड़पति बन जाए, करोड़पति में नाम आ जाए, और फिर करोड़पति भी बन गए भगवान खूब देता है, फिर अरबपति चाहिए। इतना चाहिए बेटा जब तक तू चला नहीं जाता ना, जब तक तेरे पेट भरता नहीं। लेकिन कभी धन दौलत नहीं मांगना चाहिए, हाँ जितना जरूरी है उतना मांगिए, पर ऐसा नहीं कि आदत खराब कर लो, इतना मांगो जितना जरूरी है। और क्या मांगना चाहिए, इतना में आशीष ये पाऊं, इतना दे मां आशीष में पाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे चरणों चौकीदार। मात भवानी ऐ शेरों वाली